करनाल के नलीपार में एक कलयुगी पिता द्वारा अपने 3 मासूम बच्चों को नहर में गिरा दिया गया है। इस मामले में अब रिजर्व बटालियन के गोताखोर बच्चों को ढूंढने में लग चुके हैं। आपको बता दें कि पिता द्वारा अपने बच्चों को गत दिवस देर रात्रि नहर में फेंका गया था। इस घटना के बाद सारे इलाके में दहशत का माहौल है और लोग आरोपी पिता को सख्त से सख्त सजा देने की मांग कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर मृतक की पत्नी एवं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। फिलहाल रिजर्व बटालियन के गोताखोर मौके पर तलाश जारी रखे हुए हैं ताकि बच्चों की डेड बॉडी बरामद की जा सके। आरोपों की माने तो गत रात्रि नलीपार निवासी सुशील द्वारा अपने 3 बच्चों की, जिसमें एक लड़की और 2 लड़के थे, की नहर में डुबोकर हत्या कर दी गई थी। बच्चों के इस तरह डूब जाने से शहर के लोग सन्न रह गए और इस घटना की निंदा कर रहे हैं। करनाल से समाचार एक्सप्रेस की रिपोर्ट। 2 लड़के हैं और 1 लड़की है। तीनों बच्चों को नहर में फेंक कर अपना भाग गया। जो ही अपने एक मोटरसाइकिल के छींके में तीनों बच्चों को गांव से नली पार से लेकर अपने कलवेड़ी और सुबरी के बीच में नहर में फेंक गया। तो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है? हाँ, रात का तो ऑपरेशन चला हुआ है। रात को तो गोताखोर तो नहीं थे, बाकी सवेरे 7 बजे से ऑपरेशन गोताखोरों का चला हुआ है। कितने कितने साल के बच्चे हैं, क्या क्या हैं? ये बड़ा लड़का सिर्फ 8 साल का है, जानी लड़की है 5 साल की है, छोटा लड़का है 3 साल। तो तीनों को तीनों को कौन कौन सी टीम में है जो रेस्क्यू ऑपरेशन? एक IRP से है, गोताखोर एक अपना DC ऑफिस है। तो आरोपी को गिरफ्तार कर लिया? हाँ, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ जारी है। क्या बताया उसने? उसने ये बताया कि अपना मियाँ बीबी का उनका क्लेश था, अपना क्लेश की वजह से उसने बच्चों को फेंक दिया। तो आपकी तरफ से अब क्या कार्रवाई की जा रही है? कार्रवाई जो पुलिस की कार्रवाई बनती है कार्रवाई जारी है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD बैंक्वेट्स एंटरप्राइज।